असतो मा सद्गमय सद्गमय ओ तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय अमृतंगमय ओ पूर्णमदः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णात् पूर्णा मुदच्यते मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते शांति 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 पूर्ण शांति का अनुभव करें। अपने अंदर और अपने बाहर सारे वातावरण में पूर्ण शांति का अनुभव करें। हर स्थान में हर जगह केवल शांति ही शांति है। अपने मन को अपनी इंद्रियों को अपनी बुद्धि को इस शांति के तत्व के साथ जोड़ दें, इस शांति तत्व में लीन कर दें। परब्रह्म परमात्मा का शांति भी एक स्वरूप है। पूर्ण शांति उस परब्रह्म परमात्मा से ही उत्पन्न हुई है। और जब जब हम हमारे मन इंद्रियों बुद्धि को हमारे विचारों को इस शांति में लीन कर देते हैं और अपने अंतःकरण में शांति का अनुभव करते हैं, तब हम उस ब्रह्म के साथ एक हो जाते हैं। हम स्वयं ब्रह्म हो जाते हैं। इसलिए जब जब मन में विचार भी आए, उन विचारों को इस शांति तत्व में लीन करते चले जाएं। मन के विचारों को एक नई दिशा देते हुए कि तुम शांति के बारे में विचार करो, पूर्ण शांति के बारे में विचार करो
और यही शांति परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है, इसलिए इसके साथ अपना योग बना लो। इस प्रकार मन के विचारों को एक नई दिशा देते हुए हर क्षण शांति का अनुभव करें, और यही शांति तत्व जो सारे ब्रह्मांड में एक समान स्थित है, सर्वव्यापक है, हर क्षण हर काल में यह स्थित है, यह शांति सांसों के द्वारा हमारे शरीर में हर क्षण प्रवेश करती है। अगर आप अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करेंगे और देखेंगे, जब वह सांसें हमारी नासिकाओं को छूती हुई शरीर के अंदर प्रवेश करती है, उस समय उन सांसों के साथ पूर्ण शांति का आभास भी हमें होता है। अपना ध्यान अपने नासिकाओं के अग्र भाग पर टिकाते हुए, जहां पर सांसें हमारे शरीर के अंदर जाने से पहले उस नासिका के भाग को छूती है, वहां पर श्वासों को अंदर जाता हुआ देखें और उन श्वासों के साथ शांति का अनुभव भी करें। इन श्वासों में कूट कूट कर शांति भरी हुई है। श्वासें तो एक माध्यम है जो ब्रह्मांड की, परब्रह्म परमात्मा की अपूर्व शांति हमारे अंदर ले जाने के लिए, इन श्वासों के साथ परमात्मा की शांति को अपने अंदर जाता हुआ देखें और अंदर जाने के पश्चात सारे शरीर में, अंतःकरण में, मन में पूर्ण शांति का अनुभव करें। केवल आपका ध्यान इस शांति तत्व पर काफी है मन को शांत करने के लिए, शरीर को शांत करने के लिए, बुद्धि को शांत करने के लिए, इंद्रियों को शांत करने के लिए। परमात्मा ने अपने अंदर से ही उत्पन्न यह शांति सारे विश्व में स्थापित कर दी कि जब जब हम सांसें लें, तब तब उन सांसों के साथ यह शांति हमारे अंदर जाती जाए। आप जब कभी भी किसी भगवान की, ईश्वर की, देवता की कल्पना करते हैं, तब उनके मुख मंडल पर जो शांति हमें दिखाई देती है,
वह शांति उनके अंदर सर्वव्यापकता से स्थित होने के कारण ही उनके मुखमंडल पर दिखाई देती है, और वही शांति, पूर्ण शांति उन्होंने सारे विश्व में स्थापित कर दी है। और उस शांति को सांसों के साथ जोड़ दिया है। अंदर जाती हुई सांसों पर ध्यान दें, उसके साथ अंदर जाती हुई मन, इंद्रियों, बुद्धि को शांत करने वाली शांति तत्व पर ध्यान दें और शांति का अनुभव करें। अंदर जाती हुई सांसों को देखें और उन्हें नासिकाओं के द्वारा आज्ञा चक्र तक जाता हुआ अनुभव करें। आपके शरीर के अंदर नासिकाओं के द्वारा जो सांसें जा रही है, और इन सांसों के साथ शांति तत्व जो शरीर में जा रहा है, उसे नासिकाओं के द्वारा आज्ञा चक्र तक जाता हुआ देखें, और वहां पर उस शांति को, पूर्ण शांति को आज्ञा चक्र पर स्थापित होता हुआ देखें। सांसों को आज्ञा चक्र तक ले जाएं और वहां पर शांति तत्व को स्थापित करते हुए आज्ञा चक्र पर दृष्टि टिकाते हुए शांति का अनुभव करें। अपना ध्यान अपनी सांसों पर ही टिकाए रखते हुए नासिकाओं के द्वारा अंदर जाती हुई सांसों को आज्ञा चक्र तक ले जाएं, वहां पर उन सांसों को गोल गोल घूमता हुआ देखें, और गोल गोल घूमने के कारण उस स्थान में हल्का सा स्पंदन भी अनुभव करें। यही स्पंदन है, आज्ञा चक्र का स्पंदन, जो हमें शांति का अनुभव करवाता है। सांसों को नासिकाओं के द्वारा आज्ञा चक्र तक ले जाएं, जो दोनों भ्रुकुटियों के बीच का स्थान है, जहां पर बिंदी लगाई जाती है, तिलक लगाया जाता है, टीका लगाया जाता है। The space in between eyebrows is the seat of Agya Chakra. इस स्थान पर अपनी दृष्टि टिकाए हुए रखें, सांसों को आज्ञा चक्र पर आने दें, और वहां पर उसे गोल गोल घूमता हुआ अनुभव करें।
आज्ञा चक्र पर सांसों के गोल गोल घूमने के कारण वहां पर हल्का सा स्पंदन भी अनुभव करें। यह स्पंदन आज्ञा चक्र में हलचल होने के कारण होता है। और इस स्पंदन के द्वारा हमें पूर्ण शांति का अनुभव होता है। अपनी दृष्टि भ्रुकुटी के बीच का स्थान आज्ञा चक्र वहां पर टिकाते हुए, वहीं पर एकाग्र करते हुए, दृष्टि को आज्ञा चक्र पर ही स्थित करते हुए, सांसों को वहां पर ले जाते हुए गोल गोल घूमने दें। वहां पर सांसों को, जिनमें प्राण शक्ति भी है, वही प्राण शक्ति आज्ञा चक्र पर गोल गोल घूमती हुई आज्ञा चक्र को खोलने का प्रयास कर रही है। और आज्ञा चक्र के खुलने के पहले जो हलचल होती है, वही हमें स्पंदन रूप से अनुभव होती है। आंखें बंद रखते हुए भी अंतर्दृष्टि को इस प्रकार आज्ञा चक्र पर लगाएं, मानो आप बंद आंखों से भी आज्ञा चक्र पर कुछ देख रहे हैं। बंद आंखों से आज्ञा चक्र के स्थान पर दृष्टि टिकाते हुए वहां पर जो कुछ आपको दिखाई देता है उसे देखने का प्रयास करें। हमारी बाहर की दृष्टि बंद है आंखें बंद करने के कारण, पर अंतर्दृष्टि खुली हुई है। अंतर्दृष्टि से इस प्रकार आज्ञा चक्र पर देखें, मानो खुली आंखों से हम देख रहे हैं। वहां पर जो कुछ आपको दिखाई देता है उसे केवल दृष्टा भाव से देखते रहें। बंद आंखों से आज्ञा चक्र पर देखने का प्रयास करें। भ्रुकुटी के बीच का स्थान आज्ञा चक्र जिस प्रकार खुली आंखों से हम एक टक किसी चीज को देखते हैं जो बहुत आकर्षित करती है हमें, उसी प्रकार बंद आंखों से भी आप अंतर्दृष्टि से आज्ञा चक्र पर देखने का प्रयास करें। एक टक वहां पर अपनी दृष्टि टिकाए रखें, इस प्रकार महसूस करें, अनुभव करें कि आप खुली आंखों से आज्ञा चक्र को देख रहे हैं। उस स्थान में आपको जो कुछ दिखाई दे उसे केवल देखने का प्रयास करें दृष्टा भाव से। उस दृश्य पर, किसी रंग रूप पर, विचार उत्पन्न न करें, केवल देखते रहें।
बंद आंखों से भी खुली आंखों की तरह आज्ञा चक्र पर देखते रहें और जो कुछ आपको वहां पर दिखाई देता है अथवा जो कुछ अनुभव होता है उसे दृष्टा भाव से देखते रहें। जस्ट विटनेस। बी कॉन्शियस, बी अलर्ट एंड विटनेस। कुछ नहीं दिखता है तब भी उस कुछ नहीं देखने को भी देखते रहें। अंधेरा दिखता है तो वहां पर अंधेरे को देखने का प्रयास करें। आज्ञा चक्र पर प्रकाश दिखाई देता है तो वहां पर प्रकाश देखने का प्रयास करें और किसी रंग बिरंगे प्रकाश दिखाई देता है तो उसे उसी प्रकार देखने का प्रयास करें। किसी का रूप, कोई आकार दिखाई देता है या जीवन की कोई घटना भी दिखाई देती है तब भी उसे दृष्टा भाव से देखते रहें। खुली आंखों की तरह नासिका के ऊपर भ्रुकुटियों का बीच का स्थान जहां बिंदी लगाई जाती है वहां पर दृष्टि को टिकाते हुए खुली आंखों से दिखाई देता है उस प्रकार वहां देखने का प्रयास करें, परंतु उसका कोई विश्लेषण न करें, न ही किसी प्रकार का कोई विचार उत्पन्न करें। अच्छा दृश्य, बुरा दृश्य इस प्रकार विश्लेषण न करें। वहां कुछ दिखाई नहीं देता, रिक्त स्थान, शून्य अवस्था का अनुभव होता है तो उसी का अनुभव करें। प्रकाश दिखाई देता है तो उस प्रकाश का अनुभव करें। आज्ञा चक्र शुद्ध चेतना का स्थान है। आज्ञा चक्र इज द सीट ऑफ कॉन्शियसनेस, सीट ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस। वहां जो कुछ दिखाई देता है, आप जो कुछ अनुभव करते हैं, आप शुद्ध चेतना को अनुभव कर रहे हैं। अपने आज्ञा चक्र पर खुली आंखों से जिस प्रकार देखा जाता है उस प्रकार देखते हुए आपको जो कुछ दिखाई देता है वह शुद्ध चेतना के द्वारा रची हुई सृष्टि ही दिखाई देती है। जहां कुछ दिखाई नहीं देता वहां पर केवल हम चेतना का अनुभव कर रहे हैं। उस शून्य अवस्था में हम परब्रह्म परमात्मा का अनुभव करते हैं और जब कुछ दिखाई देता है आज्ञा चक्र पर तब उसी परब्रह्म परमात्मा की रची हुई सृष्टि
का कोई न कोई भाग, उसका ही कोई न कोई स्वरूप या रूप हमें दिखाई देता है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम उस शुद्ध चेतन परब्रह्म को ही आकार या निराकार में देख रहे हैं, दृश्य या अदृश्य के दर्शन कर रहे हैं। आज्ञा चक्र पर दृष्टि टिकाते हुए दृश्य या अदृश्य को साक्षी भाव से देखने पर आप परब्रह्म को ही देखते हो। परब्रह्म के इस शुद्ध चेतन अवस्था को देखने पर उसके दृश्य अदृश्य आकार अथवा निराकार के दर्शन करने पर हमारे अंदर भी ब्रह्म भाव बढ़ता है और धीरे धीरे आप कल्पना करें कि आपके अंदर भी जो शुद्ध चेतन ब्रह्म भाव स्थित हुआ हुआ है वह आज्ञा चक्र के शुद्ध चेतन ब्रह्म से एक होता चला जा रहा है। आज्ञा चक्र पर शुद्ध चेतन के दर्शन दृश्य या अदृश्य रूप से जो भी हमें हो रहे हैं, उनके साथ हमारी शुद्ध चेतना जो सारे शरीर के अंदर स्थापित है वह एक होती जा रही है। स्थूल शरीर से अंदर, उसके अंदर आप अपने ही शुद्ध चेतन स्वरूप का अनुभव करने का प्रयास करते हुए उसे आज्ञा चक्र के चेतन स्वरूप के साथ एक करते हुए दिव्य अनुभव का आनंद लेने का प्रयास करें। और धीरे धीरे इसी शुद्ध चेतना को, जिसे हम आज्ञा चक्र पर दृष्टि टिकाए हुए देख रहे हैं और सारे शरीर में जो व्याप्त है, जो इस आज्ञा चक्र के शुद्ध चेतना के साथ मिलकर एक हो गई है, उसे धीरे धीरे आप उसका विस्तार होता हुआ अनुभव करें। आज्ञा चक्र पर जो कुछ आपको दृश्य या अदृश्य रूप से दिखाई दे रहा है उसी का धीरे धीरे आप विस्तार होता हुआ अनुभव करें। फील द एक्सपेंशन of the consciousness at Ajna Chakra, शरीर से बाहर भी उसका विस्तार होता हुआ अनुभव करें। जो भी आपको दृश्य अथवा अदृश्य, आकार अथवा निराकार दिखाई दे रहा है उसी का धीरे धीरे विस्तार होता हुआ अनुभव करें। शरीर से बाहर उसका विस्तार होता हुआ अनुभव करें और धीरे धीरे उसका विस्तार और अधिक होता हुआ अनुभव करते हुए आकाश की ओर
धरती के नीचे, धरती के ऊपर, धरती के चारों ओर, जहां केवल आकाश ही आकाश है, वहां तक उसका विस्तार होने दें। इतना विस्तार होने दें कि सारी सृष्टि मानो आपको लगे कि आपके अंदर ही समाई हुई है और आपकी चेतना का कोई अंत नहीं, इस विस्तार का, एक्सपेंशन का कोई अंत नहीं। आज्ञा चक्र से ही प्रारंभ होने वाली यह शुद्ध चेतना, वहीं से उत्पन्न होने वाली शुद्ध चेतना सारे ब्रह्मांड में फैली हुई है, सारे विश्व में फैली हुई है। दृष्टि आज्ञा चक्र पर भी टिकी हुई है, पर चेतना का विस्तार सारे विश्व में फैला हुआ है। जहां दृष्टि टिकी हुई है, वहीं से चेतना, शुद्ध चेतना, ब्रह्म चेतना सारी सृष्टि में फैली हुई है। केवल धरती ही नहीं, सारे आकाश में फैली हुई है। दूर दूर तक हमारी ही चेतना, जो हमारे ही आज्ञा चक्र से उत्पन्न हुई है, चारों ओर जहां उसका अंत दिखाई न दे, जिसके अंदर ही चांद, तारे, सितारे, चंद्रमा, धरती आदि स्थित है, उस हद तक उसका विस्तार और अब इसी चेतना को संकुचित करते हुए, कॉन्ट्रैक्ट करते हुए धीरे धीरे फिर से आज्ञा चक्र तक ले आए। अनुभव करें कि जो आपकी चेतना का विस्तार हुआ था, वह संकुचित होते होते फिर से छोटे से गोलाकार के रूप में आज्ञा चक्र में स्थापित हो चुकी है और आपकी दृष्टि अब उस संकुचित शुद्ध चेतना पर ही टिकी हुई है, जो आज्ञा चक्र पर, आज्ञा चक्र के स्थान पर अनुभव हो रही है। आंखें बंद रखते हुए भी जिस प्रकार खुली आंखों से देखा जाता है, उसी प्रकार आज्ञा चक्र पर देखने का प्रयास करते रहें। और वहां पर आज्ञा चक्र पर देखते हुए निराकार शुद्ध चेतन प्रकाश का अनुभव करने का प्रयास करें। तेज प्रकाश और मन में अहम् ब्रह्मास्मि अपने मन में कहते हुए इस आज्ञा चक्र पर दृष्टि टिकाते हुए वहां पर शुद्ध चेतना को प्रकाश स्वरूप ही देखते हुए मन में अहम् ब्रह्मास्मि कि मैं
यही शुद्ध चेतन ब्रह्म हूं, जो मुझे इस समय आज्ञा चक्र पर दिखाई दे रहा है। इस प्रकाश का तेज हजारों सूर्यों के बराबर, क्योंकि यह शुद्ध परब्रह्म का तेज है, इसे आज्ञा चक्र पर देखते हुए मन में अहम ब्रह्मास्मि कहते हुए कि मैं यही शुद्ध चेतन ब्रह्म हूँ, इस प्रकार भाव उत्पन्न करते हुए इस तेज प्रकाश को आज्ञा चक्र पर दृष्टा भाव से देखते हुए मैं ब्रह्म हूँ, अहम् ब्रह्मास्मि मन में यह भाव उत्पन्न करते हुए उसके साथ एक होने का प्रयास करें। इस हद तक प्रयास करें कि आपको यह महसूस हो कि आप स्वयं वही हो जो आपको तेज प्रकाश दिखाई दे रहा है। आप स्वयं वह तेज प्रकाश हो जो आज्ञा चक्र पर दिखाई दे रहा है। आप स्वयं ही वहां पर स्थित हो, शुद्ध चेतन स्वरूप से आप स्वयं आज्ञा चक्र पर स्थित हो। निराकार तेज शुद्ध चेतन प्रकाश स्वरूप से आप स्वयं आज्ञा चक्र पर स्थित हो। अहम् ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, यह भाव प्रबलता से, तीव्रता से, इंटेंसिटी से, फीलिंग के साथ, इमोशंस के साथ, प्रेम के साथ, आनंद के साथ इस भावना को आज्ञा चक्र पर दृष्टि टिकाते हुए कि मैं यह जो शुद्ध चेतन ब्रह्म दिखाई दे रहा है वह मैं ही हूं। निराकार तेज प्रकाश से प्रकाशित शुद्ध चेतन परब्रह्म, यह परब्रह्म मैं ही हूं। मैं ही हूं, यह ब्रह्म मैं ही हूं। मैं ही इस सृष्टि का रचयिता हूं। मैंने ही इस सृष्टि की उत्पत्ति की है। मैं ही इस सृष्टि का संचालन करता हूं। मैं ही अलग अलग शरीरों में अपनी ही सृष्टि का अनुभव करने के लिए मेरी इच्छा शक्ति के अंतर्गत जन्म लेता हूं। अपने भाग्य का निर्माण भी मैं स्वयं ही करता हूं। कभी मैं अज्ञानी रूप से संसार में आता हूं और कभी कभी मैं ही ज्ञानी बन जाता हूं। कभी मैं शिष्य रूप से संसार में आता हूं और कभी मैं गुरु रूप से अवतरित होता हूं। मैं एक अकेला ही अनेक रूप से अवतरित होकर संसार में अपनी ही सृष्टि का अनुभव करने के लिए जन्म लेता हूं।
और इस अनुभव में अच्छा बुरा सही गलत कुछ नहीं, केवल अनुभव ही अनुभव है। मैं ही सर्वव्यापक निराकार स्वरूप से ब्रह्म माना जाता हूं और संकुचित होकर अलग अलग शरीर में आकर मैं ही आत्मा माना जाता हूं और जीव के साथ जुड़ जाने के कारण जीवात्मा कहलाया जाता हूं। मैं शुद्ध चेतन आत्मा आज्ञा चक्र पर जो मुझे तेज प्रकाश स्वरूप ब्रह्म दिखाई दे रहा है उससे अलग नहीं, उसी से उत्पन्न हुआ, उसी का स्वरूप मैं हूं। इस प्रकार भावना उत्पन्न करते हुए सारे शरीर में आनंद की लहर, हृदय में आनंद की लहर का अनुभव करें, शरीर के रोम रोम में इस भावना के अनुभव के आनंद को पूर्ण रूप से स्थित होते हुए रोम रोम में आनंद का अनुभव करें। अपने ही अंदर एक खुशी की लहर दौड़ने दें कि आज इस यात्रा से मैं अपने अज्ञानता से बाहर निकलकर अपने ज्ञान स्वरूप में स्थित हो पाया, अपने ज्ञान स्वरूप का मैंने दर्शन किया। इस दर्शन के पूर्ण होने के कारण प्रसन्न भाव में प्रफुल्लित होते हुए आनंद की लहर का अनुभव करते हुए धीरे धीरे अपने ही जिस स्थूल शरीर में आप इस समय स्थित हो, इस जीवन में आपने इस स्थूल शरीर को जो चुना है उस स्थूल शरीर का अनुभव करें। इस ज्ञान के साथ, इस भाव के साथ कि मैंने केवल सृष्टि के कुछ भाग को अनुभव करने के लिए इस स्थूल शरीर का सहारा लिया है और इसमें मैंने प्रवेश किया है, मैं स्थूल शरीर नहीं, मैं तो शुद्ध चेतन आत्मा हूं और सर्वव्यापक ब्रह्म के साथ मैं और मेरा एकीकार हुआ हुआ है, इस भाव के साथ स्थूल शरीर का अनुभव करें। स्थूल शरीर का अनुभव करते हुए भी अपने चेतन स्वरूप आत्मा में स्थित रहें और आस पास बैठे हुए दूसरे स्थूल शरीरों का भी अनुभव करते हुए उन स्थूल शरीरों के अंदर भी उसी ब्रह्म से उत्पन्न आत्मा के दर्शन करते हुए
सारी सृष्टि का भी अनुभव करें, और जहां जहां आपको स्थूल शरीर अथवा स्थूल वस्तु कल्पना में आए, वहां वहां उसका अनुभव करते हुए उसके अंदर भी शुद्ध चेतन आत्मा को देखें। स्थूल शरीरों को देखते हुए, अनुभव करते हुए उनके अंदर तेज प्रकाश से प्रकाशित शुद्ध चेतन आत्मा का भी दर्शन करते हुए धीरे धीरे आप वातावरण का अनुभव करें। स्थूल शरीर को ढीला छोड़ दें, तनाव मुक्ति का अनुभव करें। हल्के से हाथों पैरों को खोलते हुए हथेलियों को आपस में मसल कर, रगड़ कर अपनी स्थूल आंखों पर लगा लें। हल्के से स्थूल पुतलियों को मसलते हुए, उनका मसाज करते हुए धीरे धीरे आंखें खोलने का प्रयास करें।